हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा, आज आपको शनि की महादशा के विषय में बताना चाहूँगा कि शनि की महादशा में यदि बुध का अंतर चले तो आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, या आपकी कुंडली में इसके आधार पर क्या क्या फलित हो सकता है, क्योंकि सभी जातक की अलग अलग लग्न की कुंडली हो सकती है। इसीलिए ये जो मेरे जो थ्योरी है वो सभी जातक की कुंडली में, जैसे कि मेष से मीन लग्न तक के लिए अप्लाई की गई है, और किस तरीके से इसको अप्लाई करना है, कैसे फलित को समझना है सावधानी पूर्वक, ये बताना है। शब्दों को बिल्कुल आप एज इट इज़ ना पकड़ें। यदि कहीं लिखा हुआ अपमृत्यु होगी, इसका ये मतलब नहीं कि मृत्यु ही होगी। 3,000 साल पहले लिखी ऋषि पाराशर की ज्योतिष विद्या है, जो राजा महाराजाओं के लिए संभवतः लिखी गई है। तो कहीं कहीं लिखा है कि सोने की मूर्ति का दान करना, तो गरीब आदमी तो सोने की मूर्ति का दान नहीं करेगा। तो इसलिए काल परिस्थिति में इसको परिवर्तित करके आपको समझना होगा, तो उसमें आप बेहतर होंगे। शनि की महादशा 19 वर्ष की होती है, और शनि में बुध का जो अंतर चलता है वो 2 वर्ष 8 माह 9 दिन का होता है। आपका जो जन्म नक्षत्र है या चंद्रमा का नक्षत्र ही महादशा तय करता है। महादशा के विषय में मैं पूर्व में भी एक वीडियो बता चुका हूँ, जैसे राहु की महादशा, उसमें महादशा क्या होता है आप देख सकते हैं। एक और वीडियो बनाया हूँ मैंने शनि में शनि, उसमें महादशा क्या होती है उसके बारे में समझा दिया हूँ। तो इस विषय में यहाँ पे डबल रिपीट करना ठीक नहीं होगा कि महादशा क्या होती है। अभी मैं बता देता हूँ कि आपका शनि में बुध की चल रही, तो बुध के विषय में जानकारी होना जरूरी है आपको। बुध जो है कन्या राशि में 15 डिग्री का उच्च का होता है, और नीच का कब होता है बुध? देखिए, बुध मीन राशि में 15 डिग्री का नीच का होता है, और बुध की मूल त्रिकोण राशि जो शुभ कहलाता है, कन्या 16 से 20 डिग्री का मूल त्रिकोण में होता है। तो ये जो डिग्री मेंटेन होनी चाहिए, हो सकता है कि आपकी डिग्री कुंडली में शनि कन्या में बुध उच्च का तो है, 15 डिग्री का है, लेकिन वो 15 डिग्री का ना हो के 25 डिग्री का हो, तो उच्च के फल देने में कमी आ जाए। हो सकता है आपकी कुंडली में बुध मीन में है, 15 डिग्री का नहीं हो के 25 डिग्री का हो, 20 डिग्री का हो, तो उसके नीचत्व में, नीच देने की जो ताकत उसमें कमी हो सकती है, ये विशेष बात है। शनि महाराज भी तुला राशि में 20 डिग्री के उच्च के कहलाते हैं, और नीच राशि उसकी मेष होती है जो 20 डिग्री में होना चाहिए, तब वो नीच का फल देते हैं। कुंभ इसका मूल त्रिकोण राशि है, जिसके अंश होने चाहिए 0 से 20, ये अंश मेंटेन होना चाहिए, विशेष बात है। मैं आपको जो बता रहा हूँ विंशोत्तरी दशावत के बारे में बता रहा हूँ, जो 120 वर्ष की होती है। कोई भी जो जातक होता है उसकी कुंडली में 120 वर्ष की विंशोत्तरी दशा उसको मिलती है। ग्रह कब फल देते हैं ये तो आप सबको बता चुका हूँ। ग्रह अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा में फल देते हैं, और ग्रह की कैसी प्लेसमेंट है, कहाँ बैठा है, कौन से ग्रह के साथ बैठा है, उच्च की दृष्टि, नीच की दृष्टि, अस्त है, या ग्रह की दशाएं क्या है, उस आधार पर ग्रह अपने फल देते हैं। यदि शनि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में होगा तो अच्छे फल देगा, बुध यदि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठा है अच्छे फल देगा। ठीक है, यहाँ पे शनि के कारकत्व के विषय में बताना चाहता हूँ, लेकिन मैंने पूर्व के वीडियो में शनि के कारकत्व क्या होते हैं बता दिया हूँ। यदि शनि के कारकत्व आपको देखना है तो मेरा वीडियो है शनि में शनि की अंतरदशा, उसको में आप देख सकते हैं, यहाँ रिपीट होगा और समय बर्बाद होगा। तो यहाँ पे बुध के कारकत्व जरूर हम देख लेते हैं। बुध ऐसा ग्रह है जो अपने बल पे कभी प्रभाव नहीं देता। बुध जिस ग्रह के साथ बैठा होता है उसके फल वो देने लगता है। बुध का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है। बुध के स्वभाव में तीनों प्रकार की प्रवृत्ति, जैसे वात, पित्त, कफ है। ये मेडिकल के मामले में, यदि आपकी शनि में बुध की दशा चल रही है और आपको हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है, तो इस तरीके के सिम्टम्स आपको हेल्थ में देखने को मिलेंगे, जैसे वात, पित्त और कफ का कारण है। बुध का संबंध जाता कि बुद्धि से कुंडली में इसकी स्थिति तर्क तथा विवेक के सामर्थ्य को इंगित करती है। प्रतिकूल बुध पापी चंद्रमा के साथ मिलकर किसी भी विचारधारा को व्यग्र कर सकता है तथा किसी मानसिक विचलन का कारण भी बन सकता है। जो खराब यदि बुध होगा, नीच का बुध होगा, तो कभी कभी मानसिक अस्थिरता भी पैदा ही कर देता है। इसका अधिकार क्षेत्र त्वचा है, त्वचा की बीमारियां हो जाती कभी कभी, गला, नाक, फेफड़े, अग्र मस्तिष्क, है ना, या मानसिक विचलन, धैर्यहीनता, मानसिक अस्थिरता, मानसिक जटिलता, अभद्र भाषा, दोषपूर्ण वाणी, कटु स्वभाव, चक्कर आना, त्वचा रोग, श्वेत कुष्ठ, नपुंसकता, कुछ नेत्र रोग, नाक, कान, गले, इस तरीके के इसके जो है कारकत्व है। अब बुध के सामान्य कारकत्व के बारे में बताना चाहूँगा। बुध जनरली उत्तराधिकार मुख है, त्वचा है, गर्दन, खुजली की बीमारी, आत्मसंयम, गुप्तांग, शिक्षा, गणित, ज्ञान, वाणी, लेखन, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, वाणिज्य, शुभ व्याख्यान या नम्रवाणी, दर्शन शास्त्र, सीलन, भय, नृत्य, भक्ति, हंसी मजाक, विद्वान, मंत्र, यंत्र, शक्तिशाली, अश्व, नवीन वस्त्र, महल, हरा रंग, सुंदर आभूषण, कांसा, सुंदर महल, नाना, शिशु, मामा, पैदल सेना, पांडुलिपि, द्विज यानी ब्राह्मण, तीर्थ, मंदिर, अशुभ स्वप्न, काला जादू, हेमंत ऋतु, प्रारंभिक काल, नाभि, अपने वंश की समृद्धि, मिश्रित पदार्थ, पक्षी, इत्यादि चीजों के लिए बुध बुध जिम्मेदार होता है।
अब यदि शनि की महादशा में आपकी बुध की अंतरदशा चल रही है तो क्या फलित होगा देगा। मैं यहाँ पे एक उदाहरण बता रहा हूँ जो कन्या लग्न की कुंडली से उदाहरण है। सभी लग्नों की फलित अलग अलग होंगी, किसकी कैसी प्लेसमेंट है, कहाँ बैठा, उस आधार पे होगा। ये सारा वीडियो को आप अपनी कुंडली में एज इट इज ना माने, कुछ चीज़ें जो एज इट इज है वो मैं बताऊंगा जो सभी होगा। जैसे ये सिद्धांत सभी कुंडलियों में अप्लाई होगा, मेष से लेकर मीन लग्न की कुंडलियों में ये सिद्धांत अप्लाई होगा। सिद्धांत क्या है, शनि की दशा में बुध की अंतरदशा हो, बुध यदि केंद्र त्रिकोण में हो तो लोक में सम्मान, यश, विद्या, धन का लाभ, वाहन आदि का सुख प्राप्त होता है। यज्ञ आदि कार्य में प्रवृत्ति, राजयोग, देह सुख, उत्साह, घर में कल्याण, सेतु स्नान आदि, तीर्थ यात्रा, वाणिज्य से लाभ, धर्म अनुष्ठान, पुराण श्रवण, अन्नदान आदि धर्म कार्य, मधुर भोजन की प्राप्ति होती है। देखिए ये जो कार्य इसमें लिखा हुआ है ये आज से 3,000 साल पहले लिखी गई होरा शास्त्र है, जिसमें आज बहुत सारा परिवर्तन हो चुका है। अब तो हमारे कई प्रकार के जॉब हो चुके हैं, कई प्रकार की हमारी समस्याएं, कई प्रकार की हमारी बीमारियां हो चुकी हैं, विदेश में जाना और विदेश में काम करना आजकल आम बात हो चुकी है। तो उस आधार पर फलित में काल परिस्थिति में परिवर्तन हो सकता है, तो इसकी भाषा में आपके आधार पर परिवर्तन आप कर सकते हैं। ठीक है, बुध यदि मान के चलो कन्या लग्न की कुंडली है या कोई भी लग्न की कुंडली हो तो बुध ये केंद्र स्थान कहलाते हैं। ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये चौथा स्थान, सातवां स्थान, ये दसवां स्थान, तो ये केंद्र स्थान। यदि बुध आपका एक केंद्रों में पड़ा हुआ है तो शुभ है। बुध ये त्रिकोण कहलाते हैं, जो शुभ कहलाते हैं, लक्ष्मी स्थान कहलाता है ये त्रिकोण, ये भी लक्ष्मी स्थान कहलाता है। यदि यहाँ बुध है और यहाँ बुध है तो शुभ कहलाएगा। ऐसी प्लेसमेंट यदि आपके बुध की है, देखिए कुंडली में बुध सभी जगह तो नहीं हो सकता, मैंने उदाहरण के लिए बताया हूँ, आपका कोई एक स्थान पर बुध होगा तो ये आपको समझने की बात है, कोई भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। तो ये जो थ्योरी है, थ्योरी नंबर वन, सभी लग्नों की कुंडली में एप्लीकेबल है, या आप अपनी कुंडली में अप्लाई कर सकते हैं, बस आपकी लग्न कुंडली होनी चाहिए। ये मैं लग्न कुंडली से बता रहा हूँ, यहाँ पे चंद्र लग्न नहीं बता रहा हूँ। तो ये लग्न कुंडली से आप अपनी कुंडली में बुध कहाँ है वो देख के अपने रिजल्ट को आप पता कर सकते हैं कि आपके क्या कैसे फलित होने वाले हैं। शनि की महादशा में बुध की अंतरदशा का थ्योरी नंबर टू, बुध यदि लग्न या दशापति से, तो आपको बुध या लग्न या दशापति से, तो ये मैंने लग्न कुंडली बना के आपको बता रहा हूँ। और लग्न से यदि बुध 6, 8, 12 में हो, या रवि, मंगल और राहु से युत हो, देखो बुध यदि रवि के साथ है, मंगल के साथ है या राहु के साथ है तो भी बहुत अच्छे युत हो, तो आरंभ से राहु से युत हो तो दशा के आरंभ में राजलाभ, धनलाभ, ग्राम का आधिपत्य आधिपत्य होता है, किंतु मध्य और अंत में रोग से पीड़ा, सब कार्य में हानि, चित्त में व्याकुलता था। देखिए बुध यदि लग्न से दशापति से 6, 8, 12 में है तो सामान्य प्रिडिक्शन ये होते हैं कि जब 6, 8, 12, ये छठवां भाव, ये आठवां भाव, 12वां भाव, ये तीनों जो भाव हैं बहुत अच्छे नहीं कहलाते हैं। ऐसे समय में बहुत अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं होती है, लेकिन फिर भी ऋषि पारसर कह रहे हैं कि या रवि, सूर्य, मंगल, राहु से युत हो तो दशा के आरंभ में कुछ लाभ होता है, हानि की बात नहीं है, बड़ा इसमें सकारात्मक और पॉजिटिव बात बताई जा रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ भी हो सकता है, कुछ हानि भी हो सकता है, तो इसमें आपको थोड़ा सा धैर्य से रहना होगा, कोई व्याकुलता और इसमें नहीं पड़ना होगा, तो थोड़ी बहुत नेगेटिव बात हो सकती है, लेकिन इसके उपाय भी बताएं आपको, इसमें तनाव लेने की जरूरत नहीं है। थ्योरी नंबर टू का ही दूसरा भाग है, बुध यदि लग्न या दशापति से, तो मैंने दशापति कौन होगा, आपकी यदि शनि की महादशा में बुध की अंतरदशा चली तो आपका दशापति कहलाएगा शनि, जो कि शनि की महादशा चल रही है, शनि की महादशा 19 वर्ष की होती है, तो जो मुख्य ग्रह होता है वो शनि कहलाता है, वो दशापति यहाँ पे शनि ही कहलाएगा। और शनि की दशा 19 वर्ष की चल रही है और शनि की महादशा में प्रत्यंतर चल रहे हैं छोटे छोटे सारे 9 ग्रह के, उसको हम प्रत्यंतर बोलते हैं। ठीक है, तो शनि में बुध का प्रत्यंतर चल रहा है, तो शनि मान के चलो कन्या लग्न की कुंडली में यहीं बैठा है, या हो सकता कोई और लग्न की कुंडली हो और आप उसको जहां से शनि बैठा है तो शनि लग्न की आप कुंडली बना लेना। आपको दशापति कैसे पता करोगे, जहां शनि बैठा है उस लग्न की कुंडली बना लेना और वहां से ऐसा चेक करना कि कहीं 6ठे और 8ठे और 12वें भाव में तो नहीं बैठा। मान के चलो कि शनि यहीं बैठा है कन्या लग्न की कुंडली में, तो हमने शनि की कुंडली बना ली और देख रहे हैं कि ये 6ठा भाव, ये 8वां भाव, ये 12वां भाव, ऐसे स्थान पर यदि बैठा हो शनि तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं होती है। तो थोड़ा रिजल्ट पहले शुभ रिजल्ट आते हैं, बाद में कुछ अशुभ रिजल्ट आते हैं। बुध यदि लग्न या दशापति से 6, 8, 12 में, या राहु मंगल से युत हो तो दशा के आरंभ में राज लाभ धन लाभ होता है। यहाँ पे आपको शनि की कुंडली, शनि लग्न की कुंडली बताना होगा, यही रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट, दूसरी थ्योरी नंबर तीन है, बुध यदि द्वितीय से सप्तेश हो तो शरीर को कष्ट होता है, उस दोष के शांत्यर्थ विष्णु सहस्त्र नाम का जब अन्नदान करे तो सब कुछ सुख की प्राप्ति होती है। देखो सिंह लग्न की ये कुंडली है, 5 नंबर सिंह लग्न कहलाती है,
और यहाँ पे छठवे कन्या राशि है, ये जो बुध की राशि है, ठीक है। ये यहाँ पे बुध जो है सिंह लग्न की कुंडली में बुध मार्केश है, ओके। यदि आपकी सिंह लग्न की कुंडली है और बुध मार्केश है, ऐसी स्थिति में उन्होंने बताया कि शरीर को कष्ट होते हैं, तो उसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का जप बताया हूँ मैंने। मेरे हर एक वीडियो में विष्णु सहस्त्र नाम का जो है मेरा बात आती है। मैं इसलिए कहता हूँ कि कम से कम 8 या 9 बार ऋषि पारासर ने विष्णु सहस्त्र नाम की बात कही है, नग नगीने टोटके की बात नहीं करी है। अब दान लिखा है तो दान, भाई हम बहुत गरीब आदमी तो दान नहीं करें, क्योंकि ये ज्योतिष लिखी गई थी संपन्न लोगों के लिए, राजा महाराजाओं के लिए, द्विज लोगों के लिए लिखी थी। द्विज कौन कहलाएंगे? क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य। अब झोपड़पट्टी का आदमी, दलित आदमी, आदिवासी आदमी भी जो ज्योतिष के चक्कर में पड़ रहा है और वो अपना भला बुरा पूछता है कि महाराज मेरी कब तरक्की होगी, और वो महाराज उसको फट से कहता कि दान देना। अरे मजदूर आदमी कभी दान देगा क्या? ये राजा महाराजाओं के लिए ज्योतिष है। आप तो केवल ईश्वरी प्रार्थना करें विष्णु सहस्त्र नाम। थ्योरी नंबर 3, बुध यदि द्वितीय सप्तमेश हो तो देखो शुक्र वृषभ लग्न की कुंडली में बुध यहाँ मार्केश है, मिथुन की राशि में होकर मार्केश है। ऐसी स्थिति में भी जिसकी वृषभ लग्न की कुंडली है, बुध यहाँ मार्केश है, तो उसको शरीर में यदि कष्ट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं। थ्योरी नंबर फिर 3 का ही आगे भाग है। देखिए मीन लग्न की कुंडली में बुध कन्या राशि यहाँ पड़ती 7वें स्थान पे, तो मीन लग्न की कुंडली में, मीन लग्न बोल रहा हूँ, मीन राशि नहीं, मीन लग्न की कुंडली में जो कन्या राशि का जो 7वें स्थान पे बैठी है, जो बुध की राशि है, ये सप्तमेश होके मारक है। ऐसी स्थिति में शरीर को कष्ट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें। शरीर कष्ट मतलब कोई भी कष्ट, किसी भी प्रकार के कष्ट हो सकते हैं। अब धनु राशि, धनु लग्न की कुंडली में भी ये थ्योरी अप्लाई होती है। धनु लग्न की कुंडली में बुध मिथुन राशि में सप्तमेश होके मारक हैं। इस यदि शरीर को कष्ट हो, यदि पति पत्नी में कोई विवाद हो, पत्नी को कोई समस्या हो, किसी भी प्रकार का, ये पत्नी स्थान कहलाएगा, तो पत्नी को समस्या हो, तो ऐसी स्थिति में 7वां स्थान पत्नी का स्थान है, तो ऐसी स्थिति में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ठीक है। स्पष्ट लिखा है तदोष परिहार्थम विष्णु सहस्त्रकम जपेत, ये सीधे ऋषि पारासर की होरा शास्त्र से लिया गया है, इसलिए आप इसका पालन अवश्य करें तो आपको फायदा होगा। जो यहाँ पे मैं बुध के बारे में बता दूं, बुध के जो मित्र ग्रह ये हैं, बुध के मित्र ग्रह सूर्य और शुक्र हैं, बुध के सम ग्रह हैं मंगल, गुरु और शनि, और उसका बुध का शत्रु होता है चंद्र, ठीक है। तो इसके पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ, जब आपकी ऐसी स्थिति चले, यदि कुछ ऐसा हो, तो आप ओम त्र्यंबकम का मंत्र है, बहुत अच्छा है, जो ऋषि पारासर ने सुझाया है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम पूर्वरूपम बद्रनाथ मृत्युमूर्छिमामृतम, इसका भी पाठ कर सकते हैं, बड़ा सरल है। एक खास बात, मंत्र का जाप माला में करें, और एक माला में 108 गुरिया होते हैं। उसके पीछे कारण यह है कि 27 नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 27 गुना 4 बराबर 108, मतलब 108 का महत्व क्या है मैं बता रहा हूँ कि माला में 108 ही गुरिया क्या होते हैं, 27 नक्षत्र उसके 4 चरण, 27 गुना 4 108 होता है। एक माला भी सच्चे मन से कर लिया गया तो पूरे ग्रहों की शांति एक साथ हो जाती है, 27 गुना उसके 4 चरण, सारे ग्रहों की, सारे नक्षत्रों की एक साथ पूजा हो जाती है। तो एक माला भी शुद्ध मन से पढ़ लिया गया तो लाभदायक होता है। इसके बाद भी आप बहुत सारी जब पूजा कर रहे हैं और कोई फायदा नहीं होता, तो ये मान के लिए कि प्रारब्ध है, आपका जो प्रारब्ध है उसके कष्ट आपको भोगना पड़ेगा, और ये थोड़ा बहुत कष्ट रहने की आदत डालना पड़ेगा, जिससे कि आप लूटने पिटने से बचा सकते हैं। नवग्रह मंत्र सभी सूर्य के, चंद्र के, मंगल के, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, सबके मंत्र होते हैं, आपको जो भी सरल है वो ले सकते हैं। ग्रह शांति, ऋषि पारासर ने ग्रह शांति के उपाय में स्पष्ट लिखा है कि सूर्य से लेकर राहु केतु शनि के मंत्र हैं। ग्रह शांति के उपाय बताए गए हैं, दान, स्वर्ण दान, दान चांदी का दान, स्वर्ण की मूर्ति का दान, प्रतिमा छाग दान, भैंस दान, बकरा दान, गाय दान, काली गौ का दान, अश्वदान, दुर्गा, इतने दान हम इसलिए नहीं कर सकते, ये राजा महाराजाओं के लिए दान सुझाए गए थे, गरीब आदमियों के लिए नहीं है। गरीब आदमी कोई दान देने की जरूरत नहीं है, जिसकी हैसियत है, जिसकी आर्थिक हालात बहुत अच्छे हैं, संपन्न लोग हैं, वो दान दें, और दान स्कूलों में दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, अच्छे स्थानों पर जो इस हॉस्पिटल में दान दीजिए, ठीक है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए ऋषि पारासर कहते हैं कई बार, लेकिन ये आप आसानी से कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, महामृत्युंजय मंत्र जप की बात है, ये ऋषि पारासर ने ग्रह शांति के बारे में कहा है कि आपकी कोई भी ग्रह की दशाएं चल रही हो, तो खासकर जब शनि में बुध की चल रही है, तो विष्णु सहस्त्र नाम की बात हुई है, तो यहाँ पे विष्णु सहस्त्र नाम ही करना आपको सबसे बेहतर होगा। ये तो मैं आपको जनरल उपाय यहाँ बता रहा हूँ,
और आप नवग्रह शांति के भी उपाय कर सकते हैं, जैसे नवग्रह स्त्रोत का पाठ एक अच्छा विकल्प है, जिसमें एक एक नवग्रह का स्त्रोत तो उस नवग्रह की शांति होती है। प्रतियोगिता वाले छात्रों को कभी भी शनि मंगल और राहु केतु के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, उनको अपने सिलेबस को भगवान मार के पढ़ना चाहिए। और प्रतियोगिता वाले छात्र को कभी भी अभी कुंडली उंडली नहीं देखनी चाहिए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अशुभ बता देगा पंडित, आप नहीं पढ़ पाओगे, है ना, और वैसे ही फेल हो जाओगे। गरीब व्यक्ति दान न दें। गर्भवती माता किशोरी बालिकाओं से निवेदन है कि कोई व्रत ना रहें, केवल छोटे मोटे कोई पाठ कर लें हो जाएगा। और जो जो जातक ऑलरेडी ढेर सारी भक्ति पूजा पाठ में रहता है और ऑलरेडी बहुत धार्मिक है, उसको भी कष्ट हो रहे हैं तो प्रारब्ध मान के सहे, कोई भी नई चीज़ें वो हाथ में ना लें, है ना। फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।